दिल्ली के समस्त आर्य समाज शिक्षण संस्थानों की शिरोमणि सभा दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा दिल्ली के जंतर मंतर पर शराबबंदी के लिए कोरोना की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान महामंत्री और समस्त अधिकारी आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली राज्य के महामंत्री सतीश चड्डा, अखिल भारतीय दयानंद सेवा श्रम संघ के महामंत्री जोगेंद्र खट्टर, आर्यवीर दल दिल्ली प्रदेश के अधिकारी, प्रांतीय आर्य महिला सभा के अधिकारी और अनेक अन्य आर्य समाजों के अधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य सम्मिलित हुए। दिल्ली सभा के महामंत्री विनय आर्य ने उपस्थित आर्यजनों को संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन में कहा कि मानव जाति को शारीरिक, बौद्धिक, पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक हर स्तर पर पतित करने वाले हर प्रकार के नशे का आर्य समाज सदा से विरोध करता आ रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा। दिल्ली सरकार द्वारा शराब की बिक्री को लेकर नई आबकारी नीति की घोषणा की गई थी, तब भी आर्य समाज ने इसका शांतिपूर्वक विरोध किया था और आज जब सरकार ने दिल्ली के हर वार्ड में, गली मोहल्ले में शराब की बिक्री की नई व्यवस्था शुरू की है, हम आज भी इस अनैतिक, अमानवीय और अनर्थकारी कदम का विरोध करते हैं। दिल्ली सरकार से आर्य समाज की अपील है कि वह इसे नशे की राजधानी ना बनाए, नहीं तो दिल्ली में रहने वाले हर आयु वर्ग के लोगों की बहुत बड़ी हानि होगी। कि दिल्ली में आर्य समाज हो, जैन समाज हो, सिख समाज हो, मुस्लिम समाज हो, हर समाज आज दिल्ली में नई शराब की नीति जो केजरीवाल सरकार लाई है उसका विरोध करती है, क्योंकि ये नई शराब की नीति दिल्ली के युवाओं को और ज़्यादा शराबी बनाने के लिए है, नशे में लाने के लिए है। और मैं आज के इस जंतर मंतर पर जो आंदोलन आर्य समाज ने किया है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में दिल्ली के अंदर एक जन आंदोलन खड़ा करेगी और दिल्ली में एक भी नई शराब की दुकान नहीं हम खुलने देंगे। एक सांकेतिक धरना जंतर मंतर पर दिया है जो नई आबकारी नीति है उसके विरोध में। इस नई आबकारी नीति में युवाओं को जो एक शराब की लत डालने की जो एक इन्होंने योजना बनाई है, जो महिलाओं को शराब की लत डालने की योजना बना डाली है आसानी से शराब उपलब्ध करके, तो ये गलत दिशा में जो दिल्ली सरकार की सोच जा रही है उसको चेताने के लिए उनको हमने एक, मैं समझता हूँ कि हमें, हमने उनको एक चेताने के लिए ये आज का धरना सांकेतिक रूप से दिया है। यदि आज के इस धरने से केजरीवाल सरकार नहीं जागी तो हम दिल्ली के जो हमारे क्षेत्रीय आर्य समाज हैं हम वहाँ पर धरना भी देंगे, प्रदर्शन भी करेंगे, ज्ञापन भी देंगे। ये सरकार बहुत अच्छी तरह जानती है और जो भी इस भारत में सरकारें आज तक बनी और जो वर्तमान में केजरीवाल सरकार जो है ये इस बात को जानती है कि आर्य समाज किस हद तक जा सकता है। हरियाणा का मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हरियाणा के अंदर आज से कई वर्ष पहले इसी नीति के ऊपर हरियाणा सरकार ने शराब को लागू किया था, तब आर्य समाज ने, स्वामी ओमानंद जी ने और स्वामी बलदेव जी ने के नेतृत्व में आर्य समाज ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और उसका परिणाम था कि हरियाणा के अंदर सरकार को झुकना पड़ा और उस समय में वहाँ पर शराबबंदी हुई। दिल्ली के अंदर केजरीवाल को मैं इतना कहना चाहूँगा कि लोगों ने आपको अपने हृदय से चुना है और लोगों की भावनाएँ से आप बन करके मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं। आपका अस्तित्व इतिहास में पहले कभी नहीं रहा और आपने भावनाओं को दिखा करके, अपने आप को दिखा करके कि मैं एक ईमानदार सरकार बनूंगा और लोगों के हित की सोचूंगा। चीज को देख करके आर्य समाज ने ये विचार किया कि हमें अपनी बात को, जनता की आवाज़ को, जनता की बात को, जिसकी जिसकी सर्वे करने की बातें की जाती थी कभी कि हम कोई भी निर्णय लागू करेंगे दिल्ली में तो सर्वे करने के बाद करेंगे। मुझे नहीं मालूम कि लोगों ने सर्वे में भाग लिया था, कौन लोग चाहते थे कि दिल्ली की गली गली में शराब की दुकानें खुल जाएं और दिल्ली का एक गरीब जो बड़ी मुश्किल से अपने परिवार के पेट का पालन करता है वो अपने कमाई का पैसे को शराब में गंवाने के लिए पूरी तरह से हम उसको तैयार कर दें। एक और, हम गरीबों की सुविधा के लिए बिजली को फ्री करने जा रहे, हमने पानी को फ्री किया, हमने देश दिल्ली की महिलाओं को दिल्ली की बसों में यात्रा करने की फ्री सुविधा दी। दिल्ली से BCN न्यूज़ के लिए ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।